गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट, तो वेलकम टू द करेंट अफेयर्स क्लास। जून 2024 का करेंट अफेयर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये मंथली डिस्कशन है सर। 100 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं हर महीने के, जिसमें हम पूरे महीने का जो करेंट अफेयर्स है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वो एपीपीएससी हो, ये पीएसएसबी हो, उसमें आपको हेल्पफुल रहे, उसके रिगार्डिंग ये आपका इसमें क्वेश्चंस कवर होते हैं। और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन किया आंसर किया, क्वेश्चन किया आंसर किया, ऐसा भी नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन रहता है, जो भी उसमें टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड आसपास की जो भी चीजें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, पूरा एक स्पेयर ऑफ नॉलेज यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। इसीलिए इसको मैं कहता हूं करेंट अफेयर्स डिस्कशन। ठीक है, ऑलराइट। तो बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो काफी टाइम से क्लासेस कर रहे हैं, कुछ लोग अभी जुड़े हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे होंगे। तो फर्स्ट क्लास वाले कौन कौन है बताइए जरा, हैंड रेज करें। हैंड रेज करने का मतलब है कमेंट में हैंड एक इमोजी होता है वो लगा दें। मतलब अगर आप अपने एरिया में बैठ के हैंड रेज करोगे तो मेरे पास इतनी दिव्य शक्ति नहीं है कि मैं वहीं से देख सकूं, है ना, क्योंकि आपकी वीडियो नहीं आ रही है इसमें। तो आप में से जो भी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, हम हैं, ओके आप हैं, तो जो भी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये जून का सेकंड लेक्चर है, जून 2024 का सेकंड लेक्चर है। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है ना। तो ये लेक्चर नंबर है आई थिंक 358 है ना ये, हाँ 358 होगा। तो इसका जो जून का पहला लेक्चर है 357, वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, वहां से जाके आप उसको देख लेना। और कुछ जो बेसिक बातें होती है ना, कि कितने महीने का करेंट अफेयर्स पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये सारी बेसिक बातें वहां पर डिस्कस कर ली गई है। साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने की जो लिंक है वो भी आपका वहां पर दी गई है, उसमें वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। Is that clear? I hope it is clear. ठीक है जी। So without wasting your time, let's move to the questions. 10 questions कर लिए थे, but आगे बढ़े तो उससे पहले एक हमारी परंपरा है, हम पिछले कुछ questions revise करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना? Okay, okay. तो ये बताइए कि जरा लास्ट क्वेश्चन यही डिस्कस किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आंसर होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? लिग्नोसाइट की बात हो रही है, विच एम्स टू रिड्यूस स्पेस डेब्रिस बाय बर्निंग अप कंप्लीटली अपॉन री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो बिल्कुल सही, जापान हमने देखा था, जापान बना रहा है, तो क्योटो यूनिवर्सिटी जापान वाज द करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुंच गए थे, अब उसके बाद सर उस क्वेश्चन नंबर 10 के आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए दो, तो आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब अपन पहुंच चुके हैं, आज जो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो, यूएन में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाया जा रहा है, ठीक है।
फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन इज ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। इसका पर्पज है कि पोटैटो की इंपॉर्टेंस अवेयरनेस फैलाई जाए। देखो जो भी डे यूएन सेलिब्रेट करता है उसका पर्पज होता है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना कि आज का दिन आलू के नाम, ठीक है, तो आज सारी सब्जी आलू की बनेगी, बिरयानी में भी आज आलू डलेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो क्यों मनाया जा रहा है? पोटैटो की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो सवाल यह है किस दिन मनाया गया, फर्स्ट टाइम मनाया गया, किस दिन मनाया गया? 28, 29, 30, 31 में, बताइए जरा। टेलीग्राम ज्वाइन किया था नोटिस, अच्छा टेलीग्राम में शायद लिंक नहीं गया होगा। टेलीग्राम में शायद लिंक नहीं गया होगा। अभी तो आप आ गए ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है पूजम जी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 999 नहीं है कोई लिंक तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के। 999 07 84 642 स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी हटाने वाला हूँ इसे, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो किस दिन मनाते हैं सर? पता नहीं चला, रिकॉर्ड है यूट्यूब में अपलोड कर दिया आज, 28 मई। ऐसा क्या है सर, मतलब 28 मई को क्यों लग रहा है आपको? करेक्ट आंसर इज 30 मई, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? 30 मई को सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। थीम क्या थी? हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर पोटैटो की इंपॉर्टेंस क्या है। पोटैटो आर अ स्टेपल फूड फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा, की क्रॉप इन मेनी फार्मिंग सिस्टम्स, दे आर रेजिस्टेंट टू ड्रॉट। उनकी खास बात क्या है? सूखा पड़ भी जाए तो उसमें भी उग जाएंगे, ठीक है। कोल्ड एंड बैरन लैंड एंड आर हाईली अडेप्टेबल। अडेप्टेबल तो सर आलू होता ही, आप भी जानते हो हर सब्जी के में, मतलब आलू एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना, हर सब्जी के साथ अपना आलू एडजस्ट हो जाता है, यहाँ तक कि कलकत्ता में जाओगे तो वो बिरयानी के साथ भी एडजस्ट हो गया। तो आलू बड़ा अडेप्टेबल होता है, तो हाईली रेजिस्टेंट टू ड्रॉट है, कोल्ड है, बैरन लैंड है, इसीलिए आपका ये उसको ऑब्जर्व किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो ऑन 30 में। और इंडिया के बारे में ध्यान रखिएगा, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज इन द वर्ल्ड। अब ये होमवर्क रहेगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखना कौन है सर, ठीक है, पोटैटो का दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इसको एक बार देख के लिख लेना है ना। अब पोटैटो न्यूज में था तो हो सकता है पोटैटो से रिलेटेड क्वेश्चन बना दे, जैसे एक बार कॉफी पे बना दिया था। चलिए जी, बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। फिर हम आ रहे हैं सर अगले क्वेश्चन पे, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए और नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज बीन अवार्डेड विद नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024। नेल्सन मंडेला अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उनके बारे में जरूर जानिए, वो मतलब गांधी जी के एक बड़े प्रशंसक थे, फॉलोअर थे, जो काम गांधी जी ने यहाँ पर किया साउथ अफ्रीका में, गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने भी किया, जो ब्लैक्स वर्सेस वाइट्स का डिफरेंस था उसके खिलाफ लड़े थे, तो एक बड़ी ही मतलब रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी रहे हैं नेल्सन मंडेला जी। तो उनके नाम पे एक अवार्ड चलता है, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। कौन देता है सर? WHO दिया है ये अवार्ड। तो सवाल ये है इनमें से किसको मिला है? चार ऑप्शन दिए हैं, चार इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से एक बताना आपको किसको नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, तो जो लोग निमहंस बोल रहे हैं दे आर वेरी करेक्ट, करेक्ट आंसर इज निमहंस, ठीक है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है किसको दिया गया है सर? निमहंस को दिया गया है। निमहंस क्या है सर?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस कहां पर है ये? आपका बेंगलुरु में, ठीक है। निमहंस कहां पर है? बेंगलुरु में है। और अब ये अवार्ड के बारे में अगर आप देखो, WHO का ये जो अवार्ड है फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये 2019 से दिया जा रहा है, ठीक है। अफ्रीकन रीजन हेल्थ मिनिस्टर्स के इनिशिएटिव के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये अवार्ड हेल्थ उनको देना चाहिए जो इंस्टीट्यूशंस हेल्थ फील्ड में अच्छा काम करती हैं। ये इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है या किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है, जैसे अभी निमहंस इज एन इंस्टीट्यूशन, या किसी एनजीओ को भी दिया जा सकता है। शर्त क्या है? दैट मेक्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द हेल्थ प्रमोशन। ऑब्वियसली बात है, हेल्थ प्रमोशन का अवार्ड है तो उन्हीं को दिया जाएगा जिन्होंने हेल्थ में काम अच्छा किया, ना कि एजुकेशन में, ठीक है ना। तो ये किसके नाम पे है? नेल्सन मंडेला जी के नाम पे है। तो अवार्ड्स पे क्वेश्चन आते रहते हैं, अवार्ड्स एक सेक्शन मान सकते हो करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम में, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहते हैं वो हम यहाँ पर आपका कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया सर आपका क्वेश्चन नंबर 12। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सर, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी हैज लॉन्च्ड अ $135 million ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है, टू एड्रेस प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। पिछले महीने के करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की हमने बात ऑलरेडी करी थी, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है सर? देखो, दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये पैसा देने का काम करता है, ठीक है, इसके बारे में आज बात करेंगे। पिछली बार भी जब पढ़ा था तब भी आया था, तब मैंने कहा था जब आगे दोबारा फिर आएगा तब मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो आज बताऊंगा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो GEF और कोई एक और इंस्टीट्यूशन है, दोनों ने मिलके कुछ लॉन्च किया है, ठीक है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और एक इंस्टीट्यूशन ने मिलके इसको लॉन्च किया है। सवाल यह है कि बताओ ये एक्स की वैल्यू कितनी है, मतलब वो कौन सी इंस्टीट्यूट है जो पूछी गई, और ये इनिशिएटिव किसके लिए बनाया गया? इट इज फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इनके लिए बनाया गया, ठीक है। क्योंकि अभी देखा क्या जा रहा है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है जैसे कैरिबियन में हो गए, है ना, पैसिफिक में हो गए, तो अलग अलग रीजन्स के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है और वो हीट फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी क्या गलती, उन्होंने तो इंडस्ट्री भी नहीं लगाई, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ वो उनको भी फेस करना पड़ रहा है, तो उनको वो फेस ना करना पड़े उसके लिए व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। अलग अलग इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं, उनमें से एक इनिशिएटिव यही है, ब्लू एंड ग्रीन इनिशिएटिव। तो इसका पर्पज यही है कि क्लाइमेट चेंज के रेजिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि वो भी क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, ठीक है। उनको कुछ फाइनेंशियल एड वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी इन प्रोग्राम्स के तहत, ठीक है, जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी गलती नहीं है, उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, दूसरा वो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, अगर वो आइलैंड चले जाएंगे तो एनवायरमेंट के लिए और खतरा बढ़ जाएगा। तो दोनों ही बातें, तो ऐसे आइलैंड्स का एक ग्रुप बनाया है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स नाम से वो ग्रुप है, ठीक है। तो जो भी फंड जाता है डायरेक्ट इनको चला जाता है, फिर आपस में ये डिवाइड हो जाता है। तो सवाल ये है कि कौन सी संस्था है सर? तो एक तो हो गया सर GEF, दूसरी संस्था कौन सी है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात, दूसरी संस्था है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोग शायद सोच रहे हो सर एनवायरमेंट की बात हो रही है तो इन हो सकता है UNEP हो, UNEP नहीं है सर, इट इज UNDP। आई थिंक पिछली बार भी हमने बात करी थी इसकी, पिछले महीने में भी इससे रिलेटेड चीजें आई थी, तब भी हमने इसकी बात करी थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज UNDP। चलो जी, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये आपका जो प्रोग्राम है
ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो इसका पर्पस क्या है? टू एड्रेस प्रेसिंग एनवायरमेंट चैलेंजेस। ठीक है, इसको फंड कौन करता है? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, और इसको लीड कौन करेगा? यूएनडीपी। इट विल सपोर्ट 15 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, तो उनका स्मॉल साइज, रिमोट लोकेशंस और एंड देयर रिलायंस ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, तो वो काफी वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज का नुकसान उनको कम से कम उठाना पड़े, इस वजह से जीईएफ उनको फंड करेगा और जो प्रोग्राम को लीड करेगा वो यूएनडीपी है। जीईएफ एक्चुअल में एक फंड ही है, ठीक है, उसका काम ही है पैसा देना। तो अब जीईएफ की बात कर लेते हैं। जीईएफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कब बना था? देखो, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आप इंस्टीट्यूशंस देखोगे ना, मेजॉरिटी आप देखोगे दो ही कॉन्फ्रेंसेस से बनी है। एक जो 1972 में हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जैसे यूएनईपी वहां से बना। एक है सर आपका 1992 की रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, रियो अर्थ समिट भी उसे कहते हैं। तो ये जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है, ये किसके बाद बना था? रियो अर्थ समिट के बाद बना था। ज्यादातर आप देखोगे इन्हीं दो के बाद बनती हुई दिखेंगे, जैसे UNFCCC वो भी इसी से बना था। ठीक है, तो ये जो GEF है, ये भी 1992 की जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसी से ये आपको देखने को मिलेगा। इनका मतलब क्या है? ये फंड होता है जिसका पर्पस क्या है? टू कन्फ्रंट बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड स्ट्रेन्स ऑन लैंड एंड ओशियन हेल्थ। कोई भी इंस्टीट्यूशन आप पढ़ते हो इंटरनेशनल, तो सबसे पहला काम अपना क्या रहता है? उसके हेडक्वार्टर्स देखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। काम क्या करता है वो बाद में पूछेगा, एमसीक्यू में तो सबसे पहले हेडक्वार्टर पूछेगा। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे कहां पर है सर? जहां पर व्हाइट हाउस है। कहां पर है? Washington DC। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस और भी अगर पूछे मेजर कौन कौन से कन्वेंशन से कहां कहां ज्यादा ये पैसा खर्च करता है, तो पांच मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन है वहां पर ये आपका फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी? एक तो मिनामाटा कन्वेंशन, ये न्यूज में आता रहता है और मैं हमेशा एक बार जरूर बोलता हूँ, मिनामाटा जैसी वर्ड सुनो तुरंत वर्ड आना चाहिए दिमाग में मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी को ही रोकने के लिए बनाया गया है। और क्वेश्चन भी ज्यादातर यही बनेगा, मिनामाटा कन्वेंशन किसके लिए बनाया गया? मर्करी के लिए। एक स्टॉकहोम कन्वेंशन था POPs के लिए, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए। एक है यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें पैसा देता है। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, कुछ दिन पहले ये भी न्यूज में आया था, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर एक ये UNFCCC, ठीक है, ये भी वही 1992 वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो अर्थ समिट, उससे बना था ये UNFCCC। ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए काम करता है। तो ये पांच मेजर कन्वेंशन हैं, इनको फंड करता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो जो अपना APPSC वाला कोर्स होता है तो उसमें एनवायरमेंट अलग से सब्जेक्ट है, तो वहां पर हम ये सारे कन्वेंशन लाइन बाय लाइन वन बाय वन सब वहां पर आपका डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो बस आपको बता दिया कि ये पांच कन्वेंशन में फंड करता है GEF। हाँ जी, तो यहां तक GEF के बाद समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं सर? आई होप इट इज क्लियर। मुद्दे की बात क्या ध्यान रखनी है? अगर कंफ्यूज हो रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा है क्या याद रखें क्या नहीं, तो मुद्दे की बात बता देता हूं। पहली चीज ये याद रखना, GEF कहां से निकला था? 1992 की रियो अर्थ समिट से निकला था, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखना, सेक्रेटेरिएट कहां पर है? Washington DC में, दूसरी चीज। तीसरी चीज याद रखना, ये पांच मेजर कन्वेंशन जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मोटा माटी अगर मैं बात करूं तो ये तीन चीजें आपको नोट्स में उतार लेनी है। ठीक है, बाकी करो ना करो आपकी श्रद्धा है, ये तीन चीजें जरूर आपको ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो दैट इज ऑल अबाउट ग्रीन ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, देखो मेरी कोशिश ये रहती है सर, भले आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो,
भले ही आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिल को चोट पहुंचाती हैं। बहुत से ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो फ्रिक्वेंटली अगर जो भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उनको ये चीज फील होती होगी कि यार ये टर्म आ जाता है ना, समझ में आता नहीं, उसके चक्कर में पूरा जो टॉपिक है वो उड़ जाता है। तो मेन टारगेट मेरा यही रहता है, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसकी क्लैरिटी आपको दी जाए, क्योंकि जितना आपको चीजें समझ में आएंगी ना उतना इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। और जीईएफ उन्हीं में से एक है, ये आता रहता है न्यूज में लेकिन दिमाग से जाता रहता है सर, तो अब नहीं जाएगा। ठीक है चलो, तो दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। एक चीज और बची सर, यूएनडीपी, उसकी भी बात कर लेते हैं। यूएनडीपी क्या है सर, वो भी नहीं छोड़ेंगे सर। यूएनडीपी में तो सर हम लोग वैसे भी पहले भी कई बार ये तो आता ही रहता है, जीईएफ कम आता है, यूएनडीपी ज्यादा न्यूज में आता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखो तो सबसे पहला सवाल मन में बनाना कि इसका यार हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये उतार लेना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, न्यूयॉर्क यूएसए। मतलब जीईएफ यूएनडीपी दोनों ही यूएसए में है, जीईएफ इज इन वॉशिंगटन डीसी और यूएनडीपी इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, और कब बना था, इट बिकेम ऑपरेशनल इन 1966। ठीक है, यूएनडीपी 1965 में स्टैब्लिश हुआ था एंड बिकेम ऑपरेशनली जनवरी 1966। बाकी मिशन कंसंट्रेशन इसको एक बार पढ़ लेना, दैट्स इट। मेन चीज मुद्दे की बात भी यही ध्यान रखना, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। ठीक है, अगर फुल फॉर्म भूल रहे हो तो फुल फॉर्म भी लिख लेना। चलिए जी, तो दैट इज योर, तो ये होता है सर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 इसलिए रखा गया है क्योंकि कभी कभी कुछ वर्ड लोकेशंस आपसे पूछ ली जाती हैं, और जो वर्ड की लोकेशंस हैं वो ज्यादातर एपीपीएससी पूछता है। मैं एपीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे सब इंस्पेक्टर, डीजीटी, पीजीटी, इस तरह के जो एपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें भी वर्ड लोकेशंस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एसआई में पूछा गया था दश्ते काविर या दश्ते लूत में से एक डेजर्ट पूछा गया था जो आपका ईरान में देखने को मिलता है ना। तो यहां पर भी एक पोर्ट का जिक्र है सर, ठीक है, दारे सलाम पोर्ट का जिक्र है। तो क्वेश्चन यही है कि ये जो दारे सलाम पोर्ट है वो किस कंट्री में है, एरिथ्रिया, मोजाम्बिक, तंजानिया या सोमालिया। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है चारों में से किस कंट्री में दारे सलाम पोर्ट है। अभी दारे सलाम पोर्ट न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, जो अडानी पोर्ट है और जो इस एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इट हैज साइंड अ 30-ईयर कंसेशन एग्रीमेंट टू ऑपरेट एंड मैनेज कंटेनर टर्मिनल टू एट दारे सलाम पोर्ट। ठीक है, तो जो भी डील वगैरह हुई हुई हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, बट हाँ दारे सलाम पोर्ट वाज इन न्यूज, तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए जरा दारे सलाम पोर्ट कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, हाँ तो देख लेते हैं सर दारे सलाम पोर्ट कहां पर लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज तंजानिया। ठीक है, दारे सलाम पोर्ट सर आपको कहां देखने को मिल रहा है, इट इज इन तंजानिया। तंजानिया इज इन अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, तंजानिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अफ्रीका में, तो ये तंजानिया है। इधर देखो ये लेक विक्टोरिया है, काफी फेमस लेक है अफ्रीका का, लेक विक्टोरिया, इसका बॉर्डर भी लगता है तंजानिया से। तंजानिया के कैपिटल में भूल रहा हूँ, कोई देख के बताएगा तंजानिया के कैपिटल क्या है। और तंजानिया में एक स्पेशल बात ये भी है, पहले तो पोर्ट ही देख लो, ये है दारे सलाम पोर्ट। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा दारे सलाम पोर्ट इन तंजानिया। तो यहां मैप से मेरे को कुछ चीजें आपको बतानी है। पहली चीज तंजानिया की कैपिटल, जरा देख के बताओ क्या है सर तंजानिया की कैपिटल। दूसरी चीज है ये दारे सलाम पोर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दारे सलाम पोर्ट कहां पर है, तंजानिया में है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, तीसरी चीज है सर ये किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, किलीमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, कभी कभी पूछ लेता है। तो जब भी हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका पढ़ो, जैसे आपका जो एपीएसएसबी या एपीपीएससी का जो हमारा क्लास चलता है, ठीक है, तो उसमें मैं बताता हूँ सर कि आपका जो अफ्रीका है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक वहां पर हम डिस्कस करते हैं,
तो जब अफ्रीका का जिक्र आता है तो मैं ये पॉइंट जरूर बताता हूँ, इट इज किलिमंजारो एंड ये किस कंट्री में लोकेटेड है, तंजानिया। दोनों ही बात ध्यान रखना कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक इज किलिमंजारो एंड इट इज लोकेटेड इन तंजानिया, ठीक है। और कुछ लग रहा है तंजानिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट? ऐसा ही एग्जाम अभी तो नहीं हुआ है, जो 3 साल पहले हुआ था वो एपीपीएससी ने कराया था, पहले एपीएसएसबी कराता था, बट वो 3 साल पहले ही चेंज हुआ था, वो एपीएसएसबी से शिफ्ट होगी एपीपीएससी में आ गया था, अब दोबारा भी होगा तो एपीपीएससी ही कराएगा। हाँ जी, तो तंजानिया की कैपिटल दोडोमा, ठीक है, दैट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया। एक चीज और ध्यान रखना सर, जब इतना जिक्र हो गया है तो एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, एक आइलैंड है सर यहाँ पे, जंजीबार आइलैंड, ठीक है। तो जंजीबार आइलैंड आपको किसके पास मिलेगा? तंजानिया के पास मिलेगा, ठीक है। जंजीबार आइलैंड ये भी किसके नजदीक है? तंजानिया से लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा, जंजीबार आइलैंड, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, किलिमंजारो, एक्टिव वोल्केनो है। नहीं, देखना पड़ेगा, अभी तो काफी टाइम से नहीं देखने को मिला, एक्टिव नहीं है सर, डोरमेंट या एक्सटिंक्ट में कहेंगे। देखो ये जो कह देते हैं ना एक्टिव है, डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट है, ये तो ये मतलब बहुत ही कोई मतलब स्पेसिफिक इसका कुछ मेंशन नहीं है कि अगर डोरमेंट है तो वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता, कई जगह पे डोरमेंट भी लिखा मिल जाएगा, कई जगह पे एक्सटिंक्ट भी देख मिल जाएगा, एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो दैट इज योर तंजानिया। अब एक टर्म और आती है सर बार बार, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आप लोग सुनते रहते होंगे, हमने पिछली क्लास में भी या पिछली क्लास में कुछ क्लास पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जब गिफ्ट सिटी गुजरात की बात कर रहे थे तब मैं आपको बता भी रहा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पर्पस क्या है। जैसे कोई कंट्री है अपना, जैसे मतलब अपना कंट्री है, ठीक है, अब इसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, हमारे लॉज चलते हैं, लेकिन वो लॉज हो सकता है बाहर की किसी कंट्री के खास फायदे के ना हो, क्योंकि ये टैक्स वगैरह देना पड़ता है, लेकिन हमें बिजनेस चाहिए अपनी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं अपनी कंट्री का एक छोटा सा एरिया लेते हैं, उसको बना देते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वहां पर कुछ स्पेशल रूल्स बना देंगे, जैसे वहां पे जो ड्यूटी वगैरह है वो हटा दी जाएगी और जो लॉज हैं वो ऐसे फेवरेबल कर दिए जाएंगे ताकि कंपनीज वहां पर आकर बिजनेस करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो और जो लॉ पूरी कंट्री का लग रहा है वो इतने हिस्से में नहीं लगेगा, ये कुछ स्पेशल यहाँ पर उनको प्रिविलेजेस दे दी जाती हैं जो कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं। तो एक ऐसा एरिया विद इन अ कंट्री दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री एंड हैज डिफरेंट बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज चीफली टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो दैट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और नौकरी क्रिएट करने के लिए जनरली सरकारें ये कंसेप्ट निकाल के लाई, भाई एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। भूल तो नहीं जाते हैं आप लोग, घर जाते ही कि आज की कहानी बस आज तक, कल नहीं पढ़ेंगे पुरानी भूल जाएंगे। रिवीजन भी सर एक चीज होती है, ठीक है ना, जो मेजॉरिटी सीरियस लोग होते हैं ना, मैं नॉन सीरियस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीरियस हैं, जो शिद्दत से दिल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होने का मेजॉरिटी का रीजन यही होता है कि सर रिवीजन नहीं किया, क्लास पूरी अटेंड करी, रिवीजन नहीं किया, क्योंकि सर एग्जाम आपको कल तो देना नहीं है, कल देना होता तो मैं नहीं कहता रिवीजन करो, आज पढ़ के चले आओ, कल दे दो आप, एग्जाम देने में आपको अभी टाइम है ना, तो जब एग्जाम देने में टाइम है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर सर 15। अब 15 इज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, स्पोर्ट्स के तो सर आप लोग बादशाह, बताओ एक
पावो नुर्मी गेम्स 2024 हुआ था फिनलैंड में, ठीक है, पावो नुर्मी गेम्स 2024 हुआ था फिनलैंड में। तो क्वेश्चन ये है, इसमें किन किस पर्सन ने, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन जैवलिन, जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑलिवर हेलेंडर, टोनी कैरनन, जोहेंस वेटर, नीरज चोपड़ा। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और तंजानिया में कोई रिलेशन नहीं है। वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हाँ जी बिल्कुल सर, अगर ऑप्शन में नीरज चोपड़ा लिखा है तो करेक्ट आंसर तो वही होगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर इंफॉर्मेशन, अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी कि सर आरबीआई अपना सोना वापस ला रही है। आरबीआई हैज मूव 100 मैट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू डोमेस्टिक वॉल्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, तो इस साल 100 मैट्रिक टन जो हमारा सोना है वो कहाँ पे था सर, किसी एक कंट्री में था, उससे वापस हम अपने पास लेके आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी कंट्री जहां से हम सोना वापस लेके आ रहे हैं। हाँ ये तो मेरे ख्याल से सर बता दोगे अभी आप लोग, तो जिसका अभी तक कोई सवाल सही नहीं हुआ है उसका भी ये सवाल सही हो जाना चाहिए। ये तो सर खाता खोल देने वाला सवाल है, तो भी काफी न्यूज में था। हाँ तो किस कंट्री से सर हम सोना लेके वापस आ रहे हैं, तो अभी एक पूरी कहानी डिस्कस कर लेते हैं सर, क्या है, क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों दिया था हमने उनको, क्या आजादी से पहले ये लोग चुरा के ले गए थे, मोदी जी वापस लेके आ रहे हैं, इसी तरह से कोहिनूर वापस आएगा, ऐसा है क्या? नहीं सर, वो कहानी अलग है, ये सब आजादी के बाद की कहानी है, यूके से वापस ला रहे हैं। देखो सीन क्या है, हम लोग सोना रखते हैं, जैसे पहले सोना हर एक कंट्री अपना रखती थी और जितना उसके पास सोना होता था उसी के वैल्यूएशन में वो नोट छापती थी, और जितना उसके पास सोना है उसी के वैल्यूएशन में उसकी करेंसी की वैल्यू होती थी। ये पुराना सिस्टम था, अब तो चेंज हो गया, अब उस पर डिपेंड नहीं करता, आपकी करेंसी कितना ज्यादा यूज हो रही है मार्केट में उस पर वैल्यू डिपेंड करती है करेंसी की। अब ये सोने वोने वाला जो कंसेप्ट है ये पुराना हो गया, हालांकि फिर भी हम अपने पास कुछ सोना मेंटेन करते हैं ताकि कल मान लो कोई कंट्री हमें लोन दे तो उसको आइडिया रहे ना कि अगर ये लोन नहीं चुका पाएंगे तो अपना सोना गिरवी देंगे हमें एज ए कोलेटरल। तो हमें कई बार जो लोन लेना पड़ता है तो एज ए कोलेटरल मार्क वो सोना यूज होता है, हालांकि वो सोना हमें देना नहीं है, उनको रहेगा हमारे पास, लेकिन वो कंट्री जब देखेगी कि हाँ इनके पास इतना सोना है तो उतना ज्यादा उसके लिए आसान हो जाएगा लोन देना। अब ऑब्वियसली बात है, अब बैंक में लोन लेने जाओ तो वो पहले कहेंगे बैंक अकाउंट दिखाओ, ठीक है, तो अगर देखेंगे भाई करोड़ों 1.5 करोड़ भरा पड़ा है पैसा इनके में, तो उसे मालूम है आराम से ये लोन चुका देंगे। तो वही सर हमारे यहाँ सोने का दाम है, गोल्ड है तो मतलब उससे दिखता है कि हाँ दम है कम कंट्री में, ये लोग लोन चुका देंगे। तो हमारे पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व है ना, दैट इज 822.10 मैट्रिक टन। ये पॉइंट ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट मे भी पूछ ले, कि टोटल जो गोल्ड रिजर्व है हमारे कंट्री का वो 822.10 मैट्रिक टन है, लेकिन इसका बहुत सारा हिस्सा बाहर की कंट्रीज में हमने स्टोर कर रखा है। इंडिया ऑल्सो हैड इट्स होल्डिंग विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड लाइक अदर कंट्रीज। तो अब क्या है, 100 मैट्रिक टन हम वापस ले रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल अभी भी ओवरऑल अगर आप बात करूं टोटल है सर 822 मैट्रिक टन सोना हमारा, उसमें से अगर ये 100 मैट्रिक टन मिला दो तो अब हमारे पास डोमेस्टिक कितना मौजूद है, 408 मैट्रिक टन ऑफ गोल्ड, ये डोमेस्टिकली हमारी कंट्री में मौजूद है, बाकी सारा दूसरी बैंक्स में घूम रहा है। तो सर ऐसा क्यों, व्हाई डज आरबीआई स्टोर इट्स गोल्ड अब्रॉड, ये बाहर क्यों स्टोर किया गया? तो देखो कहानी सर थोड़ा सा 1991 की है, जब हमने लोन लिया था, ठीक है, तो इंडिया प्लेज्ड पार्ट्स ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व टू द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड को कुछ हिस्सा दिया था एज ए कोलेटरल अपने सोने का, और बदले में 405 मिलियन डॉलर का उनसे लोन लिया था। हालांकि लोन हमने चुका दिया, ऐसा नहीं कि अब जाके लोन चुकाया तो सोना वापस आ रहा है, लोन हमने बहुत पहले ही चुका दिया था,
बट जो गोल्ड है वो हम वापस नहीं लाए। गोल्ड क्यों नहीं वापस लाए? क्योंकि कुछ टाइम पहले जब गोल्ड लाने की बात हुई तो धूम मूवी रिलीज हो गई, धूम धूम टू, पता चला चोरी हो जाता है। तो ये सोचा चोरी हो जाएगा तो उससे बेहतर है जहां रखा है वहीं रखा रहने दो, ठीक है। तो इंडिया में आएगा तो इंडिया में चोरी हो रही थी, फिर धूम थ्री बनी, उसमें देखा सर अमेरिका में भी चोरी कर लेते हैं लोग, तो फिर सरकार ने सोचा नहीं इंडिया ही वापस ले लो, जब वहां भी चोरी होने का खतरा है तो हम अपने ही पास रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा जो लोन है चुका दिया, बट हमने काफी लंबे टाइम तक उनके पास छोड़ दिया कि ठीक है वापस ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सिक्योरिटी का खतरा है, चोरी हो सकता है। और दूसरा ये कि मान लो हमें दोबारा कहीं लोन की जरूरत है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में वो लोन सेव रहेगा, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की तो वैल्यू काफी बड़ी है, तो किसी भी कंट्री से अगर हमें लोन लेना होगा तो हमें बार बार जो अपना गोल्ड रिजर्व है वो मूव नहीं करना पड़ेगा। हम कह देंगे कि देखो भाई कोई दिक्कत हो बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा इतना गोल्ड पड़ा है वहां से ले लेना, ठीक है। तो वो दैट अमाउंट ऑफ गोल्ड विल वर्क एज अ कोलैटरल, तो वो एज अ कोलैटरल काम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि सर चलो ठीक है हमें आगे इंटरनेशनल लोन लेने में आसानी होती थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा वो लोन वो पड़ा हुआ है आपका गोल्ड, उसके बदले में हम लोन ले लेते थे। अभी कंसर्न ये आ गया कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने क्या करा, रशिया के एसेट्स पे सैंक्शन लगा दिया, रशिया के जो एसेट उनकी कंट्रीज में थे उस पे उन्होंने सैंक्शन लगा दिया। पैसा वो रशिया का है लेकिन चूंकि वो यूरोपियन बैंक्स में है तो वो उस पैसे को रशिया यूज अब नहीं कर सकता। तो भारत सरकार ने भी यही सोचा कि हो सकता है कल हमारी आपस में नहीं बनी, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई कि वो हमें मजबूर करने लगे कि देखो आप रशिया को सपोर्ट करोगे तो हम आपके लोन, आपका जो गोल्ड है उसको सीज कर लेंगे, उसको आपको निकालने नहीं देंगे। तो सरकार ने इन सारी सिचुएशंस के मद्देनजर वो लोन, वो जो गोल्ड है वो वापस मंगा लिया ताकि आने वाले टाइम में वो इस तरह से हमें धमका नहीं पाए, ठीक है। तो गोल्ड स्टोर्ड अब्रॉड कैन बी इजीली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, एंटरिंग इनटू स्वैप्स एंड अर्निंग रिटर्न्स, ठीक है। द आरबीआई ऑल्सो बाइज गोल्ड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एंड स्टोरिंग इट ओवरसीज फैसिलिटीज facilitates these transactions, ठीक है। Storing gold internationally comes with risks, particularly during geopolitical tensions. The freezing of Russian assets by Western nations has heightened concerns about the safety of assets held abroad. The RBI's recent move to repatriate gold from the UK likely reflects these concerns, ठीक है। So that was the motive. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? I hope it is clear now. ठीक है सर, मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया कि सर ये कैसा सोना है, क्यों वापस आ रहा है? कोशिश की मैंने सारी चीजें सिंपल करके बता दूं, आई होप इट इज क्लियर। इसमें लिखना विखना कुछ नहीं, बस इतना लिख लेना इतना सोना हमारे पास टोटल है और एट प्रेजेंट डोमेस्टिकली 408 इतना अभी मौजूद है, ठीक है। दो चीजें ध्यान रख लेना, आई होप इट इज क्लियर नाउ। बाकी ये जो कहानी अगर मीन्स वगैरह में आंसर लिखोगे तो काम आ सकती है, और वैसे किसी काम की नहीं है, ठीक है। मोहल्ले वगैरह में जानकारी बताने में, थोड़ा शो ऑफ करने में काम आ सकती है, ठीक है। चलिए जी, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब ये भी सर अवार्ड से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है That is related with the awards. Recently, which of the following organization has been awarded with 2024 Blue Planet Prize? Which of the following organization has been awarded with 2024 Blue Planet Prize? Important prize is sir, 2024 Blue Planet Prize. Batao sir, kisko mila? Intergovernmental Panel on Climate Change, UNEP, IPBES, Worldwide लाइफ फंड, चार ऑप्शन है बताइए सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन अवॉर्डेड विद 2024 ब्लू प्लैनेट प्राइज, आईपीसीसी, यूएनईपी, आईपीबीईएस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड?
इम्पोर्टेंट है सर, नहीं पता तुक्का लगा दो सर। पता है सर कि नहीं पता है, यस और नो? चलो देखते हैं करेक्ट आंसर, वैसे भी टाइम कम है आज। करेक्ट आंसर इज क्या है सर? IPBES। ठीक है, IPBES बोले तो इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, इनको ब्लू प्लैनेट प्राइज मिला है 2024 के लिए। और ये IPBES है क्या सर? ये इंटर गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका पर्पस है स्ट्रेंथनिंग द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, पनामा सिटी में एस्टैब्लिश हुई थी 2012 में, 94 गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, सेक्रेटेरिएट अगर इसका पूछे तो कहां पर है? बॉन, जर्मनी। ठीक है, ब्लू प्लैनेट प्राइज क्या है सर? 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, वही देख लो, द ईयर ऑफ द रियो अर्थ समिट, तभी ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था। हर साल कौन देता है? मतलब ऐसा नहीं इससे सब, मतलब ये वही साल है, बताना चाह रहे हैं कि जिस साल रियो अर्थ समिट हुआ था उसी साल ये अवार्ड आपको एस्टैब्लिश किया गया था। कौन देता है सर? जापान के फाउंडेशन है, आसाही ग्लास फाउंडेशन, ये उस अवार्ड को देते हैं। किस पर्पज के लिए? जो साइंटिफिक रिसर्च में अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड देते हैं। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन विच हैव हेल्प टू सॉल्व ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। तो ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक रिसर्च में अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड ब्लू प्लैनेट प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक जानकारी ऑफ IPBES ब्लू प्लैनेट प्राइज। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन इंडिया हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद डैश 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 वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन लोकसभा पोल्स 2024। तो ये एज इट इज जो क्वेश्चन है इसी का फैक्ट ध्यान रख लेना कि अभी जो इलेक्शंस हुए थे है ना, 4 जून को रिजल्ट आया था, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, कितने वोटर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इतनी बड़ी आबादी है, जब वो वोट करने जाएगी तो ऑब्वियसली बात है तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आबादी क्रिएट करेगी। तो इस साल टोटल लोकसभा पोल्स में कितने वोट पड़े हैं सर? करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है 64.2 करोड़। ठीक है, तो ये नंबर ध्यान रख लेना, दैट्स इट, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम याद रख लेना, अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राजीव कुमार। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सर अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, 64.2 करोड़ वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया इन दिस इलेक्शन, इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वोटर्स ऑफ ऑल G7 कंट्रीज। ठीक है, तो ये सारी जानकारी बस एक बार पढ़ लेना, याद दो ही चीजें रखना, टोटल कितने वोट पड़े और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। इज दैट क्लियर? भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, याद दिला दिया मैंने। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। छोटे छोटे क्वेश्चन है, दो जल्दी से और देख लेते हैं फिर आपका दूसरा क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? रिसेंटली आईएनएस शिवालिक एंड इंडियन नेवी स्टेल्थ शिप हैज बीन सेंट टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज रिमपैक 2024। This exercise is being conducted at which of the following places? ठीक है, एक्सरसाइज रिमपैक हो रहा है सर 2024, किस जगह पर हो रहा है? That is the question. हवाई, बिल्कुल सही बात। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है कहां पर हो रही है सर? आपका हवाई में हो रही है, और रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज है, इट हैज बीन लीड बाय यूएस। ठीक है, तो फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, दूसरा कहां हो रही है इतना ध्यान रख लेना, दैट विल बी अनफ फॉर इट। ठीक है, चलिए तो 19 तक करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, और जल्दबाजी में करो उसमें कोई फायदा नहीं। सर एडवांस में थोड़ा कंफ्यूज है कि अरुणाचल केसेस, अगर देखो सिर्फ ऐसा पूछता है फर्स्ट अरुणाचल सीएम, तो आप पीके थुंगम जी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, पीके थुंगम जी वाला फर्स्ट सीएम। अगर ऐसे पूछे कि जब वो स्टेट बना तब कौन थे, जब वो यूटी बना तब कौन थे, तो
बदल जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है, और जनरली कुछ नहीं लिखा हुआ है ना कि स्टेट बना यूटी बना, अगर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा फर्स्ट सीएम, तो पी के साहब का नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सर जून 2024 का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश रहती है 10 से 15 का क्वेश्चन डेली बेसिस पे डिस्कस हो पाए। आज टाइम की किल्लत की वजह से सिर्फ 9 सवाल हो पाए, बट वी विल कंपनसेट फॉर इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। इसका जो वीडियो है वो आपका रिकॉर्ड कल मिल जाएगा मॉर्निंग में नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने का भी जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप में, वो क्या कहते हैं, वो यूट्यूब की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन, उसमें पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो, नहीं मिल रहा हो पीडीएफ, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आई विल प्रोवाइड, ठीक है। 9997846422, ठीक है। चलिए सर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।